गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बसंत साहू फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो परिभाषा हम आज देखने वाले हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी कह सकते हैं इसको, या क्लासिकल फॉर्म में बोल सकते हैं, या अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होती है। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन एन एक्सक्लूसिव केसेस विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस आउट ऑफ विच एम इवेंट्स आर फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैपिटल ए, देन द प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी ऑफ हैपनिंग ऑफ कैपिटल ए इज। अर्थात क्या होता है यहाँ पर, यदि हम कोई प्रयोग करते हैं एन मामलों की, तो इसके जो परिणाम है वो सपोज एन है, ठीक है, जो क्या होता है पारस्परिक रूप से अनन्य और समान रूप से होने की संभावना वाले एक मामला है, जिसमें से क्या है जो एम इवेंट करते हैं, ठीक है, जो एम इवेंट होता है वो किसी इवेंट ए के अनुकूल होता है, तो ए के होने की संभावना क्या होता है किसके द्वारा दिए जाते हैं, इसको स्मॉल पी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अर्थात स्मॉल पी इक्वल टू क्या होता है कैपिटल पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन एग्जस्टिव नंबर ऑफ केसेस। अर्थात क्या होता है यहाँ पर, घटना होने की संभावना बटे कुल घटनाओं की संख्या। यहाँ पर घटना होने की संभावना कितना है, स्मॉल एम है, और कुल मामलों की संख्या या कुल घटना की संख्या यहाँ पर कितना है, एन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्मॉल पी यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन एग्जेक्टिव नंबर ऑफ केसेस, या इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली और बातें हैं, इसको नोट करना है। फर्स्ट यहाँ पर नंबर है क्या है, इफ एम इक्वल टू जीरो, अर्थात घटित होने की संभावना यदि जीरो है, ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन ए इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, यहाँ पर ए क्या कहलाएगी, एक असंभव घटना कहलाती है, या इसको हम लोग पी ऑफ फाई के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पी ऑफ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस, इफ एम इक्वल टू एन है, यानी कि घटित होने की संभावना और कुल घटनाओं की संभावना इक्वल है, तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ऑफ ए इक्वल टू वन। देन ए इज कॉल्ड एज्योर और सर्टेन इवेंट, यहाँ पर ए क्या कहलाएगा, निश्चित घटना कहलाती है। यहाँ यदि एम और एन इक्वल है उसको प्रायिकता वन होती है, तो वन अर्थात ए को हम एक निश्चित घटना कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, द प्रोबेबिलिटी इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर एंड कैन नॉट एग्जिट यूनिटी, यानी लाइज बिटवीन जीरो टू वन। ठीक है, तो संभावना एक क्या है यहाँ पर, गैर नकारात्मक वास्तविक संख्या होती है, और यह एक से अधिक नहीं हो सकती, या एक से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि या तो ये ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है, मतलब इसमें घटित होने की संभावना कोई निश्चित नहीं होती है। ओके, फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट कैपिटल ए, यानी पी ऑफ ए बार, यहाँ पर क्या है, घटना ए यानी कि पी ऑफ ए बार के ना होने की संभावना, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू के द्वारा। तो इस प्रकार से घटित ना होने की संभावना यानी कि पी ऑफ ए बार इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन माइनस एम अपॉन स्मॉल एन, या वन माइनस एम अपॉन एन, या हम यहाँ पर ऊपर में देख चुके हैं एम अपॉन एन इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए होता है।
तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ऑफ ए बार इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ए, या क्योंकि यहाँ पर घटित ना होने की संभावना को हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस स्मॉल पी। ठीक है, स्मॉल पी यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, पी है, ठीक है, प्रायिकता है। तो इस प्रकार से घटित ना होने की संभावना और घटित होने की संभावना दोनों का योग, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाती है, वन हो जाती है। या इसी को हम लोग और डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल पी ऑफ ए प्लस कैपिटल पी ऑफ ए बार इक्वल टू वन। ओके, थैंक यू।